हमारे से पहले की है, बट उसमें सच्चाई है कि हमारे खिलाड़ी चुने नहीं गए थे। हमारा स्ट्रगल हमने उसको बताया है और उसको बताने का प्रयास किया है। मैं अधिक नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप उस थीम को जब सिनेमा को देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमने कहने की कोशिश क्या की है। हमारा प्रयास यह भी रहा है कि 99 के बाद जो बिहार को मान्यता नहीं मिली, उसको लेकर के किस प्रकार से राजनीतिक तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि मैं वहां पे था। वो सारी कहानियां हैं और आपको आनंद आएगा। हेलो, अभी रुक जाइए, दो बॉल, एक तो आपका था और एक आप कहां हैं जरा किधर? अरे बाप रे, वहां तक थ्रो जाएगा मेरा। परफेक्ट कैच पुष्पक, रन आउट करवा रहा हूं सबको मैं। हमने बीसीसीआई को क्वेश्चन करने वाली बात ही नहीं की है, और यहां जो कुछ मैं बोल रहा हूं इससे ना अतुल का वास्ता है, ना यहां खड़े हुए किसी आदमी का वास्ता है। मैं तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल आदमी हूं, इसलिए मेरे नाम से औरों का नाम ना जुड़े, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आपने पाकिस्तान की बात कही, तो पाकिस्तान के साथ वही स्थिति है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उससे कुछ होता नहीं। अपने देश में क्रिकेट खेल नहीं सकते, वो टेस्ट मैचेस खेलने के लिए दुबई में टीमों को बुलाते हैं, दूसरे देश उनको अपने यहां खेलने के लिए बुलाते नहीं है। पहले अपना घर संभाल लें, जिनके घर शीशों के होते हैं दूसरों के घर शीशे पत्थर नहीं मारते। यह है बात जो पाकिस्तान की है। अंबायती रायडू बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि वो टीम में क्यों नहीं थे, जबकि उनको रखा गया था और उसके बावजूद वो भारतीय टीम में नहीं आए। और जो मध्य क्रम था भारत का, मिडल ऑर्डर, वो नहीं चल पाया, अन्यथा पहले तीन बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके अलावा एक आध ने पीछे किया हो अच्छा तो वो किया। देखिए, आई थिंक वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक टुडे। ये तो पॉलिटिक्स है, अगर वो नाराज हुआ, उसने रिटायरमेंट गुस्से में दी, अब उसको लगा कि भाई अभी तो मैं जवान हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसने रिटायरमेंट वापस ले ली और वो वापस खेल रहा है, ऐसी बात नहीं है। उसको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट किसी ने कहा नहीं था, तो दिल टूट जाता कई बार खिलाड़ी का, तो रूठ जाते हैं, पर उसको लगा कि रूठ के मैं अकेला ही नुकसान होगा मेरा, कोई पूछेगा नहीं, कारवां तो आके चले जाएगा, तो मेरे आईपीएल भी नहीं खेल पाऊंगा, तो वापस आ गया वो। फिलहाल जो इस मूवी के लिहाज से मुझे लगता है कि क्योंकि भैया की बड़ी पर्सनल स्टोरी है ये, तो उनका एक बड़ा माओपिक व्यू रहेगा, पर मुझे लगता है कि एज एन एंटरटेनमेंट, अगर आप इस सिर्फ बिहार का एक लिया गया है इसमें टॉपिक, उसको अगर हटके देखेंगे तो दिस इज ए स्टोरी विच कैन फिट एनी वेयर। जो क्लास डिवाइड की बात की, क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो चलिए ये जो कास्टिज्म हमारे कल्चर में रहा है ये बड़ी मुसीबत रही है, धीरे धीरे निकल रहे हैं, और साथ में अब इकोनॉमिक डिवाइड जो आ रहा है, आजकल हैव और हैव नॉट्स का इंडिया में, तो क्रिकेट में बहुत बड़ी बात हो रही है कि जो हैव नॉट्स हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि महंगी गेम है कोचिंग वगैरह के लिए, और जो रिच बच्चे हैं उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं, तो उसका एडवांटेज उनको मिलता रहता है। तो बीसीसीआई बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो भी टैलेंट है कहीं से निकल ना पाए, इतना नेट इतना बढ़िया फैलाया है, इसलिए हमारी टीम इतना अच्छा कर रही है। ऐसे ऑटोमेटिक नहीं हुआ एकदम से, क्योंकि अब पहले अच्छे अच्छे खिलाड़ी रह जाते थे, पर अब जो सिस्टम गया, जैसे बिहार में अब पहले देखें, जब भैया के टाइम पर जब मैं मेरे पहले कप्तान थे दिल्ली की टीम से, तो तब दिल्ली बॉम्बे से अगर आप खेलते थे तो आपको लगता था आप हाफ वे इंडियन टीम पे पहुंच गए, और कोई छोटी सिटी से अगर कोई प्लेयर था अच्छा भी होता था, पर उसको मैचेस ही नहीं मिलते थे क्योंकि वो पहले ही बाहर हो जाता था। तो दिल्ली बॉम्बे खेलते थे आपको ज़्यादा मैचेस मिलते थे आप, सो अब वो बात नहीं रही है। अब देखिए धोनी रांची से आके और कहाँ कहाँ से गली गली कुछों कुछों में से प्लेयर्स जो हैं इंडियन टीम में खेल रहे हैं, और बड़ी सिटीज़ के प्लेयर्स कम हैं, तो ये दर्शाता है। और ये जो मूवी में बताया है कि कास्टिज्म जो है ये स्पोर्ट्स में भी है, और ये बैरियर जो है ग्लास सीलिंग ब्रेक हो रही है। और हमारे जो फेडरेशन क्रिकेट की बात की आपने, क्रिकेट में बहुत पैसा है, क्योंकि क्रिकेट ने पैसा कमाया है, क्योंकि उनको गेम चलानी आई, उन्होंने बहुत बढ़िया मैनेज की, बाकी खेलों के फेडरेशंस को नहीं आई, उन्होंने सिर्फ सरकार से पैसा लेके बर्बाद किया, खिलाड़ियों तक पहुँचा नहीं। उसके बाद जो भी खिलाड़ी आए हैं वो इस सब के बावजूद आए हैं, इसकी वजह से नहीं आए, इन फेडरेशन की वजह से। तो देखिए अगर ये सही तरह से पैसा नीचे तक पहुंच जाए खिलाड़ियों को, तो वी कैन प्रोड्यूस लॉट ऑफ चैंपियंस। दुती चंद इज देयर, हिमा दास इज देयर, सी देयर डिस्पाइट ऑफ द सिस्टम दे आर देयर, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। ये मेरा सबसे पहला अनुभव है एक्टिंग में, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट फिल्म, एंड आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। बहुत ही बढ़िया टीम रही है हमारी, हमारी वर्कशॉप्स बहुत ही रियल ग्रास रूट लेवल पे हमें सिखाया गया, बिहार जाके
हमने शूट किया, काफी दिन वहां पे रहे, मिस्टर झा, मिस्टर तिवारी और स्पेशली हमारे जो डायरेक्टर सर हैं। आज टीचर्स डे भी है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पूरे जीवन में सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी आदमी से, किसी शख्स से सीखा है तो इनके साथ जो मेरी बातचीत हुई है उससे सीखा है मैंने। माई डायरेक्टर हैज बिन अ वेरी बिग टीचर फॉर मी, लॉट ऑफ मुझे बहुत सारे, मैं एक बड़े शहर दिल्ली की लड़की थी और जाके बिहार में शूट कर रही थी और इस पूरे मुद्दे को समझ रही थी। कीर्ति जी के साथ बैठती थी, अच्छा क्या फिल्म है, क्यों बना रहे हैं, क्या हुआ सर, आप अपनी स्टोरी बताइए, सो दैट आई कुड गेट इनटू द कैरेक्टर। तो आई थिंक इससे बेहतर टीम तो हमें मिल नहीं सकती थी, एवरीबडी हैज बीन रियली नाइस। यस, मेरी भूमिका है एक न्यूज एंकर की, एक स्टार न्यूज एंकर की जो, और ये फिल्म जो है आप मेरी नजरों से देखेंगे, एक स्टार न्यूज एंकर जो इस स्टोरी को कवर कर रही है, शी स्टम्बल्स अपॉन दिस स्टोरी। ये स्टोरी अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन ये भूमिका एक न्यूज एंकर की है और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। अब जब आप सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी और फिर पूरा डिस्कस करूंगी। यही सब चीज का तो आनंद लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दूं पॉलिटिक्स और खेल में क्या होता है अभी, तो वो सारा पूरा कवर हो जाएगा हिंदुस्तान में और विदेशों में, इसलिए आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा, आपको आनंद सच में आएगा। जो सच्चाई सामने रखी है हमने वह आप देख पाएंगे। मैं वैसे भी करता हूँ, आई प्रेजेंट, आई होस्ट शोज ऑल्सो, तो मैं तो आई वाज प्लेइंग माय ओन सेल्फ अगेन, तो ऐसी एक्टिंग करने वाली बात नहीं है। और वैसे भी आपको बता दूं कि एक्टर्स को एक्टिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्रिकेटर्स को बहुत कम होती है। अगर आप देखें कि बिना आप स्क्रिप्ट के आप 40-40 मिनट बोल लेते हैं और किसी एक्टर को बोलने को कहेंगे तो वो कहेगा पहले मुझे रट्टा मारने दीजिए, और ये हुआ है हमारे साथ। तो क्रिकेटर्स की ये है कि एक होता है कॉन्फिडेंस, और क्रिकेटर्स को होता है ओवर कॉन्फिडेंस, तो उसका फायदा है।